हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी। एंड स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो आई विल कवर न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इज नाउन नंबर। एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक आई विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लास सिक्स बुक ऑफ मधुबन प्रकाशन। एंड द टाइटल ऑफ दैट बुक इज न्यू मैजिक ग्रामर। ओके, सो न्यू मैजिक ग्रामर क्लास सिक्स का बुक है। प्रैक्टिस के लिए मैं उसके भी क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन की बात सॉल्व करूंगा। सो इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास ऑफ क्लास सिक्स, तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही होगा, एंड फॉर रेस्ट ऑल इट विल बी बेनिफिशियल। सो कीप वॉचिंग प्लीज। सो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे नाउन नंबर होता क्या है। सो बिफोर इट आई हैव डिस्कस विथ यू अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें मैंने डिस्कस किया था। नाउन जेंडर पे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एंड नाउन नंबर बेटा होता क्या है कि आप सबने सुना होगा सिंगुलर एंड प्लूरल। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन नंबर। हमारे इंग्लिश ग्रामर में नाउन नंबर के कितने काइंड्स होते हैं? दो काइंड्स होते हैं। द फर्स्ट इज नोन एज सिंगुलर नंबर एंड द अनदर वन इज नोन एज प्लूरल नंबर। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नंबर। तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि नाउन नंबर कितने होते हैं, सो नाउन नंबर दो होती है। द फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर एंड द सेकंड वन इज प्लूरल नंबर। एंड नाउन नंबर में हम क्या जानते हैं? सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में जब कभी भी किसी एक नाउन के बारे में बात हो, कितने नाउन के बारे में? एक, यानी कोई पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें जो नाउन है, और किसी एक नाउन के बारे में बात होगा तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। और अगर ये क्या हो जाए? मोर देन वन। अगर हम मोर देन वन नाउन के बारे में बात करेंगे देन इट विल बी नोन एज इन प्लूरल नंबर, कि वो नाउन किस नंबर में है, देन योर आंसर विल बी प्लूरल नंबर। लेट सपोज अगर मैं बात करूं पेन की, और पेन कितना है? एक पेन है, सो आई विल से अ पेन। फाइन, लेट सपोज पेन की संख्या दो है, तो क्या उसे हम टू पेन बोलेंगे? ध्यान रखिएगा, वी विल नॉट से दैट टू पेन, तब वो बन जाएगा टू पेन्स। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो इट मीन्स दैट, देखा आपने यहाँ पे जो ये पेन था, पेन को हमने यहाँ पे क्या बोल लिया है? हमने एस एड कर दिया। वाई? बिकॉज जब हम किसी चीज को प्लूरल नंबर में ले जाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स आगे हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम उसमें एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। सो सिंपली आपको याद रखना है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी वन नाउन, एनी सिंगल नाउन, देन इट विल बी नोन एज इन सिंगुलर नंबर। ये जाना जाएगा किसमें? सिंगुलर नंबर में। अगर कोई भी नाउन प्लूरल नंबर में है, इट मीन्स उसकी जो काउंटिंग है कितनी है? मोर देन वन है, एक से ज्यादा है। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, कैसे कौन कौन से रूल हैं जब हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो देखिए, आपको रूल नंबर वन जो याद करना है बेटा, आप लोगों को ये याद करना है, अगर कोई भी वर्ड आपको मिल रहा है और उस वर्ड के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, जेड और एक्स, ओके, अगर ये सारे लेटर्स किसी भी वर्ड के कहां जाए? एंड में मिल जाए। एट द एंड ऑफ एनी वर्ड इफ वी विल गेट दीज लेटर्स देन व्हाट वी डू, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? वी यूज प्लस ई एस टू चेंज दैट पार्टिकुलर वर्ड इन प्लूरल नाउन। उस पार्टिकुलर वर्ड को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें प्लस ई एस एड कर देते हैं। ऑलराइट, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, बॉक्स। So everyone look here, हमने क्या दिया हुआ है? box, at the end what we are getting x letter, हमें क्या मिल रहा है? x letter मिल रहा है, it means that यहाँ पे क्या rule apply करेंगे हम? ये rule apply करेंगे, so it will become what? boxes, यानी अगर हम इसके plural form की बात करें, plural number की बात करें, then we will say that plural number of this one, it will be this, हमने यहाँ पे देखिए क्या apply किया हुआ है? es apply किया हुआ है, ठीक है? Let's take one more example. Let's suppose हमने यहाँ पे एक example ले लिया, टोपाज। टोपाज की जो मीनिंग होती है, जो मिनरल्स होते हैं, लाइक हम जो रत्न होते हैं ना, उनको बोलते हैं।
सो हमने एक वर्ड ले लिया टोपाज. सो लुक, इस वर्ड के अंदर क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है. इट मीन्स दैट इसका जो हम प्लूरल बनाएंगे, व्हाट विल बी द प्लूरल, हम प्लूरल यहाँ पे बनाएंगे ई एस एड करके. वी विल नॉट एड एस, यहाँ पे हम एस नहीं ऐड करेंगे. हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, एस ऐड करेंगे. ऐसे इन सभी की एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे. लाइक हम जैसे देखिए एस की बात करें, सो बस, बस के अंत पे देखिए आप क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है. और इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए, बी यू एस में ई एस प्लस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, प्लूरल फॉर्म. ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डबल एस का देख लेते हैं. लेट्स टेक, आई हैव टेकन हियर क्लास. सो लुक हियर एट द एंड आपको क्या मिल रहा है, डबल एस. इट मीन्स दैट व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ दिस वर्ड, वी विल से क्लासेस. जस्ट लाइक दैट ब्रश, चर्च, ओके, मैंगो. तो इन सब के लिए आपको कई सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जहां पे आपने क्या करना है, ई एस अप्लाई करना है. सो दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट. किसी भी वर्ड को अगर उसके एंड पे ये फॉर्मेशंस आपको मिल रहे हैं तो उसे आप अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं, सो यू आर गोइंग टू यूज ऑल दिस फॉर्मूला. हाँ, कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं बेटा. कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है. ऐसे कुछ वर्ड्स है जो आपके बेसिक यूजुअल ग्रामर में आता रहता है, उसको आप इंडिविजुअल याद कर लीजिए. एंड ऑल दोज वर्ड्स आर नोन एज एक्सेप्शन. उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं. जैसे कि हियर लेट सपोज आई हैव टेकन अ वर्ड किलो. सो एवरीवन लुक हियर, एट द एंड इज ओ, ओ मिल रहा है, फाइन. बट व्हाट विल बी द प्लूरल, देखिए रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ई एस अप्लाई होना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे हम ई एस अप्लाई नहीं करेंगे. ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे और इसको हम एस ऐड करेंगे तब इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा. नेक्स्ट वर्ड चलिए ले लेते हैं यहाँ पे फोटो. लुक फोटो में भी क्या सीन है, हियर इज ओ एट द एंड. According to rule, we should apply yes, but no. Here we are supposed to apply only s to change this word into plural number. Fine. Just like the same piano. So what will be the plural of this one? This one plural will be pianos. Yani ki hume kya apply karna hai? Hume yahan pe apply karna hai s. So these are the few words. Just like bamboo bhi aap bol sakte hain. फाइन. सो इन सब वर्ड्स में हम क्या अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई एस टू चेंज दीज वर्ड्स इन टू प्लूरल फॉर्म. तो क्या रूल नंबर वन में आप लोग इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स पे लिख लीजिए, बिकॉज ऑल दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नंबर पे चलिए हम कुछ और रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट. और अगर आप और डिटेल में जाना तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो काफ़ी डिटेल में बना चुका हूँ. आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा बेटा, वहाँ पे आपको ग्रामर जीरो टू टॉप का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पे आपको नाउ नंबर का एक लेक्चर मिल जाएगा. नाउ सो हियर द नेक्स्ट रूल व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू, दिस इज वाई रूल. इसको मैंने नाम क्या दिया हुआ है, वाई रूल का नाम दिया है. और वाई रूल का नाम इसलिए दिया क्योंकि अब अगर किसी भी वर्ड के एंड पे आपको क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, तो उसका क्या रूल होगा सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने का. तो देखिए यहां पे मैंने इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. एक कैटेगरी मैंने बनाया हुआ है वॉवेल प्लस वाई और दूसरी कैटेगरी मैंने बनाया हुआ है कॉन्सोनेंट प्लस वाई. अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बनाया है, अब आइए इसको हम लोग समझते हैं. लेट सपोज हम कोई एक ऐसा वर्ड ले लेते हैं की, फाइन. अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पे जो वर्ड के एंड पे वाई आया हुआ है तो वाई के बिफोर में क्या है, E है. और यहां पे देखिए E क्या है, इज अ वॉवेल, इज अ वॉवेल. हमेशा याद रखिएगा अगर कोई फॉर्मेशन आपको ऐसा मिल रहा है जहां पे वॉवेल हो और वॉवेल के बाद Y हो तो वहां पे प्लूरल बनाने के लिए आप सिंपली केवल क्या करते हैं, S ऐड कर देते हैं, फाइन. सॉरी. और रूल नंबर टू ये कहता है कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कि कोई भी फॉर्मेशन वर्ड का आपको ऐसा मिले कि y के बिफोर में कोई कॉन्सोनेंट है तो वहां पे आप क्या करेंगे, ये जो y है y को आप रिप्लेस कर देते हैं. क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस्ड बाय. इससे रिप्लेस करेंगे आई ई एस. इस रूल को आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लीजिए. यहाँ पे देखिए मैं दो एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, फिर अभी आपको समझाता हूँ मैं सॉल्व करके. लुक अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वाई है, वाई के बिफोर में आप बी देख रहे हैं और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है. तो अब देखिए इसमें क्या होगा, अब चूंकि वॉवेल है तो
तो वॉवल में हम क्या अप्लाई करते हैं, एस। तो की का क्या बन जाएगा, प्लूरल कीज। हम यहां पे केवल एस ऐड कर देंगे और इसका प्लूरल बन जाएगा। बट यहां पे देखिए, क्या हम बेबी में एस ऐड कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट ऐड एस। यहां पे हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, बिफोर वाई देयर इज कंसोनेंट, तो हमें क्या करना है, वाई को रिप्लेस करना है। रिप्लेस मतलब क्या होता है, इसको हमें हटाना है, वाई को रिमूव करना है। और वाई को रिमूव करने के बाद यहां पे हमें क्या अप्लाई कर देना है, आई एस। सो दिस इज द रूल वाई। तो आपको सेकंड नंबर रूल आपको ये याद करना है, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए। दिस इज नोन एज वाई रूल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वाई रूल, वॉवेल प्लस वाई एंड कॉन्सोनेंट प्लस वाई। वॉवेल प्लस वाई हम क्या करते हैं, वी एड एस टू चेंज दैट पर्टिकुलर वर्ड इन टू प्लूरल, एंड कॉन्सोनेंट वी रिप्लेस वाई बाई आई एस। क्या करते हैं, आई एस से चेंज कर देते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल। अब हम लोग एक और नया रूल सीखेंगे, और ऐसे दो तीन रूल हम लोग पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक्सरसाइज में है। मधुबन प्रकाशन की बुक है, न्यू इंग्लिश ग्रामर क्लास 6 का मैंने वो चैप्टर लिया है आज प्रैक्टिस के लिए, उसके क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सो नेक्स्ट रूल को मैंने नाम दिया है एफ ऑब्लिक एफ ई रूल। आप देखिए इस रूल में क्या करते हैं, अगर किसी वर्ड के एंड पे हमें ये ग्रुप मिल जाते हैं एफ एंड एफ ई, इफ वी आर गेटिंग एफ और एफ ई एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, देन व्हाट विल बी द रूल, व्हाट विल डू, वी विल रिप्लेस। क्या करेंगे हम इसे, replaced by VES, इसे हम क्या करते हैं, VES से हम लोग replace कर देते हैं। I hope it is visible clearly. So let's take example. बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। जिसको डिटेल में पढ़ना हो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको इसकी और वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सो नाइफ, सो लुक एवरीवन हियर, नाइफ में यहाँ पे देखिए वर्ल्ड गेंट पे क्या मिल गया है, एफ ई मिल गया, ठीक है। इट मीन्स दैट जब एफ ई मिल गया है, इसमें हम क्या करेंगे, एफ ई को हम रिमूव कर देंगे रूल के अकॉर्डिंग, और क्या लगा देंगे, वी ई एस। सो के एन आई, जस्ट अ सेकंड, आई हैव, अब देखिए के एन आई लिख लिया, एफ ई को हमें रिमूव करना है, क्या लगाना, वी ई एस, आई हैव डन दिस। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, वाइफ विल बिकम वाइफ्स, thieves will become thief will become thieves, wolf will become wolves. So I hope ये rule भी आपको समझ में आया होगा, note it down as well in your notes. Now तो ये कुछ basic rules थे, अब कुछ और rules के बारे में देखिए हम लोग discuss कर लेते हैं। तो देखिए कई सारे word यहाँ पे ऐसे हैं जो कि singular और plural दोनों में same रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम किसकी बात करें, हम sheep की बात करें, अनदर वर्ड इज, ये सारे वर्ड बेटा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद कर लेंगे तो आपकी ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिश, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कोई आपसे पूछे शीप का प्लूरल क्या होता है, शीप का प्लूरल क्या होता है, व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ शीप, योर आंसर विल बी शीप, कि सर शीप का प्लूरल शीप ही होता है। व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ही होगा। फिश का प्लूरल फिश ही होगा, फिशेस नहीं होगा, नहीं तो आप यहां पे क्या अप्लाई कर दें, यस, तो फिशेस बेटर नहीं होगा। सो दिस इज द रूल नंबर नेक्स्ट। तो यानी कि ये कौन से वर्ड है, ये वो वर्ड है जो कि हमेशा कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ना आइए कुछ वर्ड्स ऐसे लेते हैं जो हमेशा की हमेशा कैसे रहते हैं, मैं आपको ये वर्बली बता दे रहा हूँ, वर्बली से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि ऑलवेज प्लूरल में रहते हैं। जैसे कि आप लोग कई बार बोलते हैं कि मैम या मम्मी या घर पे जाते हैं किसी फ्रेंड से कि मुझे सीजर दे दीजिए, क्या दे दीजिए, सीजर दे दीजिए। बट इन रियल वो जो आपका वर्ड होता है वो क्या होता है, गलत होता है। सीजर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, वो सीजर नहीं होता, इट मस्ट बी सीजर्स, क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो सीजर होता है वो टू नाइफ से मिलकर बना होता है। सो दैट्स व्हाई ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, सीजर का सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। Note it down somewhere in your notes. Just like the same, another word is goggle. आप लोगों को goggle दे दीजिए। No, it should not be goggle. It should be goggles. The another word is spectacles. Spectacle नहीं होता है। Just like the same, trousers, pants, jeans, trousers आप लोग अक्सर घर पे बहुत गलत बोला करते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमें trousers चाहिए। So it should not be trouser.
इट शुड बी ट्राउजर्स, क्या होना चाहिए, ट्राउजर्स होना चाहिए, ओके। सो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, बिकॉज ऑल दीज आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। यहाँ देखिए आपका हम ये बताएंगे, कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, जैसे कि हम बात करें किसकी, इन्फॉर्मेशन की, किसकी बात करें, इन्फॉर्मेशन। तो कभी आप कोई बोले आई हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस, क्या बोले, इन्फॉर्मेशंस, तो वो वर्ड गलत हो जाएगा, इट शुड नॉट बी इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस होता ही नहीं है वो, केवल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, केवल एन तक रहेगा, एस आप अप्लाई नहीं करेंगे। जस्ट लाइक द सेम एडवाइस, अनदर वर्ड इज व्हाट, एडवाइस। सो ये सारे वर्ड क्या है, कभी भी एडवाइजेस नहीं होगा। नॉलेज, वी शुड नॉट से नॉलेजेस, अनदर वर्ड इज फर्नीचर। इन सारे वर्ड्स को बेटा आप लोग कहीं कहीं क्या करिए, लिख लीजिए। ये सारे वर्ड ऑलवेज किस फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, इनका प्लूरल फॉर्म आप नहीं बनाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट नंबर पे देखिए, हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स लेंगे जो आपको सिंगुलर दिखेंगे बट एक्चुअली वो क्या होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है पीपल, कुछ लोग बोलते हैं देयर आर मेनी पीपल्स, क्या बोलते हैं, उसमें एस लगा देती हैं, बट नहीं, यही उनकी गलती होती है। ये आपको देखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर भले लग रहा हूं बट एक्चुअली में दिस वर्ड इज अ प्लूरल वन। ये कैसा है फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म है। ऐसे एक वर्ड यहां पर देखिए मैंने लिया हुआ है कैटल, क्या लिया हुआ है, कैटल। सो ये कैटल जो वर्ड है, ये कैटल वर्ड आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, व्हाट विल बी द प्लूरल, कैटल्स, बट नहीं, ये वर्ड अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड है। ऑलराइट, जैसे कि यहां पे हम बात करें पीपल की, तो पीपल का जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है, पर्सन। आई होप बहुत आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि पीपल जो होता है, पीपल वर्ड का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, तो पीपल का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, पर्सन होता है। अब चलिए, ये तो वो वर्ड थे जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, दिखते सिंगुलर है बट होते हैं प्लूरल है। ऐसे कई सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो दिखने में आपको कैसे लगेंगे, प्लूरल लगेंगे बेटा, कैसे लगेंगे, प्लूरल लगेंगे बट इन अ रियल वो होते हैं सिंगुलर। जैसे कि हम बात करें इनिंग्स की, इनिंग्स, अब आप खुद बताइए जो वर्ड इनिंग्स है आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप में से शायद बहुत लोगों का आंसर होगा सर ये तो प्लूरल है, ये कैसा है, प्लूरल है भाई, यहां पे एंड पे एस भी लगा हुआ, बट नहीं, नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज नॉट अ प्लूरल वन, एक्चुअली में ये कैसा वर्ड है, ये एक सिंगुलर वर्ड है। ऑलराइट एवरीवन, जस्ट लाइक दिस आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इन सब में देखिए क्या लास्ट में क्या आ रहा है, न्यूज एस आ रहा है, बट आपको लगेगा ये प्लूरल, बट नहीं, ये सारे के सारे वर्ड कैसे है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने इन शॉर्ट फिनिश किया है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ एवरीवन, लेट्स गो टू द स्क्रीन, एंड देयर आई हैव टेकन फ्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लास सिक्स बुक ऑफ मधुबन प्रकाशन, एंड दिस इज अ न्यू ग्रामर मैजिक बुक। ऑलराइट एवरीवन, सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन द पेज एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस। सो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। देखिए यहाँ पहला आपका मॉस्किटो है, एंड लुक यहाँ पे एंड पे आपको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, इट मीन्स हियर वी विल ऐड ईएस, इसमें हम क्या करेंगे, ईएस ऐड करेंगे, उसका क्या बनाएंगे, प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, तो इट विल बिकम मॉस्किटोज। द नेक्स्ट इज नाइफ, देखिए यहाँ पे एफ ई आया हुआ है, एफ ई को मैंने आपको रूल बताया है, एफ ई आने पे आप क्या करते हैं, एफ ई को रिमूव करके आप वी ई एस लगा देते हैं, यानी कि स्पेलिंग क्या हो जाएगी, के एन आई, एफ ई को हटाएंगे और कर देंगे वी ई एस, के एन आई वी ई एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाउस, तो यहाँ पे देखिए एस ई आया है, यानी सिंपली यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, एस, क्योंकि जो मैंने आपको ग्रुप बताया था एस डबल एस सी एच एस एच ओ जेड एक्स, उनमें से कोई भी यहाँ पे वर्ड एंड पे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट इज थीफ, देखिए एंड पे एफ आया है, तो एफ को आप हटाएंगे और एफ की जगह पे आपको रख देना है वी ई एस, और इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। कि यहाँ पे देखिए क्या, देखिए वाई, और वाई की पहले ई है, ई एक वॉवेल है, तो यहाँ पे केवल एस अप्लाई कर देंगे वाई के बाद और इसका प्लूरल बन जाएगा कीज। बट यहाँ पे देखिए पोनी, बस पोनी में देखिए क्या है कि पोनी में वाई है, बट वाई के बिफोर में बेटा कॉन्सोनेंट एन आया हुआ है, इट मीन्स दैट यहाँ पे हम वाई को हटाएंगे और वाई की जगह पे हम अप्लाई करेंगे आई ई एस, एंड प्लूरल फॉर्म इसका क्या बन जाएगा, आई ई एस।
नेक्स्ट वर्ड इज रेडियो। रेडियो देखिए वो एक्सेप्शन वाले वर्ड्स है जो मैंने आपको बताया था, जैसे किलो था, बैम्बू था, ऑल राइट, पियानो है, इन सब में हम क्या करते हैं केवल एस अप्लाई करते हैं। देखिए ओ एंड पे आया है तो रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ई एस लगना चाहिए था, लेकिन ये सारे वर्ड एक्सेप्शन के हैं, अपवाद के हैं, इस वजह से रेडियो में केवल एस अप्लाई करेंगे और इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। फूड का देखिए ये सब भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, इनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। फूड का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, फीट होता है, जैसे टूथ का टीथ होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बुश, तो यहाँ पे बुश में देखिए आपका एस एच आया हुआ है, यानी एस एच आने पे आप क्या अप्लाई करते हैं, ई एस अप्लाई करते हैं, ई एस आप अप्लाई करेंगे और आपका प्लूरल बन जाएगा। लीफ एंड पे एफ आया है तो आई होप आप लोग कर लेंगे, एफ को हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे और क्वेश्चन आपका बन जाएगा बेटा लीव्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए मंकी है तो और मंकी में एंड पे क्या आया है, ई वाई, और यानी वाई के पहले वॉवेल है, इट मीन्स यहाँ पे बेटा आप क्या अप्लाई करेंगे, केवल एस अप्लाई करेंगे वाई के बाद। कंपनी में देखिए यहाँ फिर देखिए कंपनी में वाई के पहले एन आ गया है और एन एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को आप हटाएंगे और वाई की जगह पर क्या अप्लाई करेंगे, आई ई एस अप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा कंपनीज। नेक्स्ट वर्ड इज पिचेस, एंड पे सी एच आया है और आपको पता है सी एच आने पे क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, पिच में हो जाएगा पिचेस। नेक्स्ट वर्ड इज डेजी, अगेन वाई है और वाई के पहले में एस है और एस एक कॉन्सोनेंट है, इट मीन्स वाई को हटाएंगे और वाई को हटाने के बाद वहां पे क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, ई एस अप्लाई करेंगे। सो दिस वन हैज बीन सॉल्व। चलिए बी नंबर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट दिया गया है कि फॉर्म सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, या नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में है और आपको इसको किस में चेंज करना है, सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एल्व्स, यानी वी ई एस देखिए आपको दिख रहा है बेटा, आप समझ जाइए कि वी ई एस कब आता है, जब किसी वर्ड में एफ या एफ ई होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वी ई एस को हटाएंगे और वहाँ एफ ऐड कर देंगे, इसका जो हो जाएगा लीव, सॉरी एल्फ, क्या हो जाएगा एल्फ। नेक्स्ट वर्ड भी देखिए लोव्स है, इसमें भी वी ई एस आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वी ई एस के जगह पे आपको क्या कर लगा देना है, एफ लगा देना है, तो इसका क्या हो जाएगा एल ओ एफ लोफ, लोफ इसका हो जाएगा सिंगुलर वर्ड। ये कैक्टस कैक्टी का जो है ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा कि कैक्टस का जो प्लूरल होता है वो कैक्टी होता है, ठीक है, यानी कैक्टी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका जो सिंगुलर हो जाएगा बेटा वो कैक्टस हो जाएगा, सी ए सी टी यू एस, इसको आप लोगों को स्पेशली क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ऐसे नेक्स्ट नंबर है देखिए फोकी, फोकी जो है फोकस का जो है प्लूरल नंबर है, किसका है, फोकस का, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, फोकस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, फोकी होता है। ये कुछ स्पेशल वर्ड्स आते हैं, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे न्यूक्ली दिया गया, न्यूक्ली जो होता है वो न्यूक्लियस का प्लूरल होता है, यानी कि न्यूक्ली का जो सिंगुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, एन यू सी एल ई यू एस, इन सभी को आप स्पेशली नोट डाउन कर दीजिए जिससे कोई डाउट ना हो। ऐसी फंगी है, फंगी एक प्लूरल नंबर है और फंगी का जो सिंगुलर होता है वो फंगस होता है, क्या होता है बेटा, फंगस। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपकी एक्सरसाइज में दिए गए, इनको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पिचेस का तो देखिए ऊपर मैं सॉल्व करा ही चुका हूँ, आप लोग खुद से करिएगा। हाँ स्लैबी, देखिए स्लैबी जो होता है आपका सिलेबस होता है ना, सिलेबस, सिलेबस का जो प्लूरल फॉर्म होता है बेटा वो स्लैबी होता है, क्या होता है, स्लैबी, तो यहाँ पे सिलेबस लिख लीजिएगा, आपका ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा वर्ड देखिए थेसिस, थेसिस आपका जो वर्ड है ये थेसिस का प्लूरल है, यानी यहाँ पे देखिए टी एच ई, यहाँ पे एस ई एस लिखा ना, लेकिन आपको एस आई एस कर देना है, तो ये जो वर्ड मैंने लिखा थेसिस ये क्या है बेटा, आपका सिंगुलर है, और जो यहाँ पे नाइन नंबर पे दिया गया थेसिस ये आपका प्लूरल वर्ड है। ऑल राइट एवरीवन, नाउ चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, यहाँ पे दिया गया देखिए क्राइसिस, क्राइसिस भी आपका बिल्कुल थेसिस जैसा ही है, क्राइसिस भी एस ई एस है, इसे आप एस आई एस कर देंगे, यानी सी आर आई एस आई एस, ये सारी बहुत ही यूनिक वर्ड है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर में देखिए आपको दिया गया क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया जो है का जो सिंगुलर होता है वो क्राइटेरियन होता है, यानी कि यहाँ पे आप जो लिखेंगे वहाँ पे आप कर रहे सी आर आई टी ई आर आई ओ एन, क्या करेंगे, क्राइटेरियन, ये इसका सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए डाटा है, और डाटा का जो सिंगुलर होता है वो डाटम होता है, क्या होता है, डी ए टी यू एम, बहुत यूनिक यूनिक वर्ड्स आपके बुक में दिए गए हैं डाटम, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वर्ड देखिए हाफ्स, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वी ई एस यहाँ पे लगा हुआ है तो आपने वी ई एस को हटा देना है और उसकी जगह पे आपको ऐड कर देना है एफ, यानी कि हो जाएगा क्या, हाफ। नेक्स्ट वर्ड गीज है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है,
और गीस का जो सिंगुलर होता है वो होता है गूस, क्या होता है गूस, और गूस का प्लूरल हो जाएगा गीस। तो काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। सो दिस वन हैज़ बीन सॉल्व, लेट्स गो टू द अनदर पेज, दूसरे पेज पे चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, चेंज द हाइलाइटेड नाउन इनटू देयर प्लूरल फॉर्म। तो बेटा देखिए इसमें तो फिलहाल हाइलाइटेड वर्ड शो नहीं कर रहा है, बट आई होप आपके बुक में ये शो कर रहा होगा, तो वहाँ से आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया द गर्ल हैड अ बास्केटबॉल इन हर बैग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइलाइटेड वर्ड जो आपके बुक में शो कर रहा होगा, तो वहाँ पे आपका क्या दिया है, गर्ल दिया गया है, बास्केटबॉल दिया गया और बैग दिया गया है। इन सभी को आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो गर्ल का प्लूरल हो जाएगा आपका गर्ल्स, और बास्केटबॉल का हो जाएगा बास्केटबॉल्स, यानी ऐसे ऐड करेंगे, और बैग का हो जाएगा बैग्स, ठीक है। पर ध्यान देंगे यहाँ पे बेटा, ये जो आ बास्केटबॉल में जब आप बास्केटबॉल्स करेंगे तो आप आ को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और वैसे ही जब आप क्या करेंगे, जो गर्ल गर्ल्स बन जाएगा, तो यहाँ पे जो हर लिखा हुआ है इसे आप बना देंगे देयर, क्योंकि जब ये गर्ल्स प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल के साथ हम लोग देयर यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में कई सारे चेंजेस हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। तो द गर्ल्स हो जाएगा, यानी गर्ल का गर्ल्स हैड बास्केटबॉल्स, आ हट जाएगा, इन और हर की जगह देयर हो जाएगा, देयर बैग्स, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, माई ब्रदर प्रिफर्स टू वियर एन इंग्लिश टाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा माई ब्रदर है, तो माई ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा, ठीक है। सो माई ब्रदर्स और प्रिफर्स का एस हट जाएगा, ठीक है, टू टाई इंग्लिश टाई, और टाई का प्लूरल हो जाएगा टाइज, यानी टाई में एस आप ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा टाइज। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। इट इज सेइंग दैट द डॉग नेवर सीम्स टू टायर ऑफ जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द कैनल। तो यहाँ पे डॉग दिया गया है, तो डॉग आपका हाईलाइटेड वर्ड आपके बुक में शो कर रहा होगा, तो डॉग का प्लूरल हो जाएगा डॉग्स, ठीक है, और कैनल का हो जाएगा क्या, कैनल्स, यानी एस इसमें भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, राम स्टोल माई कॉन्सेप्ट एंड डेंट गिव मी एनी क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका हाईलाइटेड वर्ड कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट का प्लूरल होता है कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पे एस आप अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, योर फादर इज गोइंग टू बी अपसेट अबाउट द ब्रोकन प्लेट। अब देखिए यहाँ पे जो हाइलाइटेड वर्ड है फादर है और प्लेट है, तो फादर का प्लूरल हो जाएगा फादर्स, और बेटा ध्यान रखिएगा जैसे ये फादर हो, फादर्स होगा, ये जो इज है क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एस, तो योर फादर्स, सॉरी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बेटा, कि जैसे ही फादर्स होगा जो इज आप देख रहे हैं इसको आप बना देंगे आर, क्योंकि क्या बन जाएगा प्लूरल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर प्लेट है, प्लेट का तो आपका प्लूरल क्या हो जाएगा, प्लेट्स हो जाएगा, केवल एस आप सिंपली ऐड कर देंगे। सिक्स नंबर यहाँ पे दिया गया, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ग्रो अ प्लांट। तो प्लांट यहाँ पे आपका हाइलाइटेड वर्ड है, तो प्लांट बन जाएगा प्लांट्स, ठीक है, एज यू गिव इट, यहाँ पे हाइलाइटेड इट किया गया है और इट को बोल रहा है प्लूरल करिए, तो जो इट का प्लूरल होगा बेटा वो होता है देम, क्या होता है देम, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। लास्ट इसमें का देखिए दिया गया, आई कान बिलीव यू अलाव योर चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पे हाइलाइटेड वर्ड पहला दिया गया है, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रन, क्या होता है चिल्ड्रन, तो इसे चिल्ड्रन कर लीजिएगा। टू स्टिक हिज हेड, तो हिज हेड में जो हिज है हिज को आप क्या बना लेंगे, डियर बना लेंगे, क्यों, क्योंकि चाइल्ड से चिल्ड्रन प्लूरल हो गया है, और हेड यहाँ पे हाइलाइटेड वर्ड आपका है, तो हेड का क्या हो जाएगा बेटा, हेड्स, क्या हो जाएगा हेड्स, एस ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे विंडो है हाइलाइटेड वर्ड, और विंडो कर लीजिएगा विंडोज, तो ये हो गया है सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे आपका चलते हैं डी नंबर पे, ये कह रहा है चेंज द हाइलाइटेड नाउन्स इन देयर सिंगुलर। इनको आपको क्या करना है, इनके सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था जो शीप है, शीप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, तो बस लेकिन पता कैसे चलेगा कि शीप को आपने सिंगुलर में चेंज कर दिया, तो आप शीप को शीप ही रखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा शीप के बाद जो आर लगा है बेटा, आर को आप क्या बना देंगे, इस बना देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैचेस स्टार्ट एट 6, सो बहुत सिंपल से हो जाएगा, मैचेस लिखा है तो मैचेस का क्या बन जाएगा, मैच बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर योर हैंड्स क्लीन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हैंड्स है, इसको आपको सिंगुलर बनाना है, तो लेकिन कैसे होगा, यहाँ पे आर के साथ इस लग, क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे लगेंगे आर योर हैंड, क्या बोलेंगे आप, हैंड बोलेंगे। और ध्यान देंगे जैसे आप हैंड्स को सिंगुलर फॉर्म में ले आएंगे, हैंड करेंगे, या आपको जो आर है ये क्या बन जाएगा, इज बन जाएगा, तो करेक्ट आपको जो फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इज योर हैंड क्लीन।
नेक्स्ट नंबर पे देखिए टूथ दिया गया है, तो टूथ को आप क्या कर देंगे, टीथ कर देंगे, और इसका जो आर है आर को आप क्या कर देंगे, इस कर देंगे, तो माई टूथ इज ऑल वाइट। नेक्स्ट नंबर में द पुडिंग्स आर इन योर प्लेट, तो पुडिंग्स का जो एस है इसको आप हटा देंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि एस हटाते जो आर लिखा है आर को आप क्या बना देंगे, इज बना देंगे, यानी आपका सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा द पुडिंग इज इन योर प्लेट। फाइन, नाउ लेट सॉल्व ई नंबर। इट इज सेइंग दैट गिवन बिलो आर फ्यू सेंटेंसेस, स्पॉट द एरर एंड री राइट देम। तो यहाँ पे आपको एरर बताना है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या है, फादर आर वर्किंग इन द गैराज, देखिए फादर सिंगुलर है बट यहाँ पे आर लगा दिया गया, यानी आर की जगह पे आपको क्या करना है, इस करना है, इसमें यही एरर है। नेक्स्ट नंबर में देखिए दिया गया द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है बट लगाया इज है, बट बेटा जो स्टूडेंट होता है स्टूडेंट के साथ में आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, यानी इसको आप रिमूव करेंगे और आर लगाएंगे। थर्ड नंबर में मदर आर कुकिंग, दी मदर सिंगुलर है बट लगा है आर जो कि प्लूरल के साथ लगता है, यानी कि आर को हटाएंगे और इन प्लेस ऑफ आर यू आर सपोज टू अप्लाई इज। ऑल राइट एवरी वन, लाइक द सेम। नेक्स्ट में बॉयज है, बॉयज में इज लगा है, इज सिंगुलर के साथ यूज होता है बट बॉयज प्लूरल है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, आर अप्लाई कर देंगे, इसको आप रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट नंबर ऐसे रोमी वर, तो रोमी क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो वर को हटाएंगे और वर की जगह पे आपको क्या अप्लाई करना है, वॉज अप्लाई करना है। ऐसे ही अगला वर्ड है द टीम, जो टीम वर्ड होता है ध्यान रखिएगा बेटा, तो द टीम वर लिखा हुआ, तो यहाँ पे द टीम वर नहीं होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे द टीम वॉज एट स्कूल, क्या लिखेंगे, द टीम वॉज एट स्कूल लिखेंगे, ठीक है, वर हटा देंगे। नेक्स्ट वर्ड है ममिता वर, ये भी किसी का नाम है, तो नाम के साथ हमेशा क्या लगाता है, लगाया जाता है, वॉज, तो ममिता से वर्क को हटाएंगे और वॉज को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है रवि एंड मीनल, जब नाम एक से ज़्यादा हो जाए तो याद रखिएगा तब बेटा जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल हो जाता है, यानी अब वॉज को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। सो ये भी आपका सॉल्व हो गया, चलते हैं लास्ट नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ड दिए गए हैं, तो एक दूसरे के जो एब्सेंट है उसी को आपको मार्क करना है। तो नाइफ यहाँ पे सिंगुलर दिया गया, प्लूरल नहीं दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइफ्स, यानी कि एफ ई हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, वी ई एस एफ ई की जगह पे लगा देंगे। थर्ड नंबर में आपका देखिए यहाँ पे दिया गया सेकेंड नंबर में ब्रदर इन लॉ, इसका प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पे इसका जो प्लूरल आप बनाएंगे वो बनाएंगे ब्रदर्स इन लॉ, यानी ब्रदर को क्या बना देंगे, ब्रदर्स, यानी ब्रदर में इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है, और बाकी पूरा एज इट इज आप लिख देंगे। थर्ड नंबर पे देखिए यहाँ पे सॉक्स दिया गया है, तो इसका जो सिंगुलर होगा वो क्या होगा, एस ओ सी के, यानी एस हटा करके आपको लिख देना है। नेक्स्ट नंबर पे देखिए हैंडफुल लिखा है, तो इसका आपको प्लूरल नंबर लिखना है, तो हैंडफुल में एस ऐड कर दीजिएगा, हैंडफुल्स हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में देखिए टोमेटोज है, टोमेटोज में आप क्या करेंगे, ई एस हटा देंगे और आपका सिंगुलर बन जाएगा। सिक्स नंबर में पीज है, पीज में से भी आप एस हटा देंगे, आपका सिंगुलर बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेवन नंबर में दिया गया टेक ऑफ, इसका प्लूरल बनाना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऑफ के बाद एस अप्लाई कर देंगे, आपका प्लूरल बन जाएगा। एट नंबर इज सेइंग दैट स्टेप मदर्स, तो इसे सिंगुलर बनाना है, तो मदर से एस हटा दीजिएगा, केवल स्टेप मदर लिखिएगा, इट विल बी योर आंसर। नाइन नंबर पासर बाई है, इसे प्लूरल बनाना है, तो इसे क्या कर देंगे, पासर्स बाई, यानी कि पासर में क्या अप्लाई करना है, एस अप्लाई करना है। लास्ट है स्टेप पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में से एस हटा देंगे, तो स्टेप पेरेंट आ जाएगा और इसका आपका आंसर हो जाएगा। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स ऑल द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड चलिए क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, लेट सपोज कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सोल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, थैंक यू, बाय।